नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 7 में कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लेके आया हूँ। और ये वो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इस बार भी आपके एग्जाम्स में आने के बहुत चांस हैं। और आपको पता है कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को तैयार करने में आपको बहुत मेहनत पड़ती है, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ यानी लिटरेरी मीनिंग कुछ और होता है, और जिनका इडियोमेटिक मीनिंग जो होता है यानी कि कुछ और होता है। दोस्तों, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा, और आपने देखा होगा मुहावरे हिंदी में भी होते हैं, और देखा होगा उनका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और मुहावरेदार अर्थ कुछ और होता है। जैसे एक होता है 9-2-11 हो जाना, तो आपको पता है 9-2-11 होते हैं, लेकिन इसका मुहावरेदार अर्थ क्या होता है? भाग जाना। तो आपको बस वो सेंस लगाना होगा यहाँ पर इंग्लिश में भी वैसे ही, कि किस तरह से हम लर्न करें, हम ये वर्ड इनका जो इडियोमेटिक मीनिंग है वो याद हो जाए। तो दोस्तों, इन सबको आपको रट्टा ना मारना पड़े, आपको उस रटने से बचाने के लिए हमने एक नई टेक्निक डेवलप करी है, और इस टेक्निक का नाम है माइंड मैपिंग। दोस्तों, माइंड मैपिंग वो टेक्निक है जिसकी सहायता से आपके लिए ये इडियम्स चुटकियों का काम हो जाएगा, ये एक चाइल्ड्स प्ले हो जाएगा, बच्चों का खेल हो जाएगा। देखिएगा कैसे लर्न करेंगे, और फिर आप अच्छा स्कोर करने में बहुत मदद होगा आपका, बहुत हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। दोस्तों, माइंड मैपिंग क्या होता है? माइंड मैपिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन। इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन टेक्निक होती है, वो माइंड मैपिंग कहलाती है। यानी कि एक माइंड मैपिंग करके, कहानी बना करके, स्टोरी बना करके हम इसको लर्न कराएंगे। कैसे लर्न कराएंगे? बच्चों देखिए, होता क्या है, जो इसका हमारा जो लिटरेरी मीनिंग है उसका मतलब समझेंगे क्या है, इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है उसको समझेंगे, और उसको याद करने के लिए हम एक इमेजिनेशन करेंगे। इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना करना या स्टोरी बनाना, और उस स्टोरी को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देंगे, लिंक कर देंगे, जोड़ देंगे। और एसोसिएशन मतलब होता है लिंक करना, एफिलिएट करना, संबद्ध करना। देखिए, आपको कुछ एग्जांपल्स कराते हैं। जैसे पहला आपका वर्ड है गो टू द डॉक्स, और दोस्तों गो टू द डॉक्स का मतलब होता है टू बी रूंड। अब दोस्तों देखिए, लर्न कैसे करोगे? यहां पर देखिए इसका लिटरेरी मीनिंग क्या है, गो टू द डॉग्स, गो माने जाना, डॉग माने कुत्ता, कुत्तों को चला जाना, कुत्तों की ओर जाना, और इसका क्या टू बी रूंड, बर्बाद हो जाना। तो बस हमें क्या करना है, ये सीखना है कि गो टू द डॉग्स का सेंस रूंड कैसे करें, बर्बाद होना कैसे करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, माइंड मैपिंग टेक्निक अपनानी है। यानी कि एक सबसे पहले क्या करनी है, इस जो हमारा लिटरेरी मीनिंग है इससे कुछ हमें एक स्टोरी बनानी है, और वो स्टोरी ऐसी बने कि जो इसके इडियोमेटिक मीनिंग से एसोसिएट हो जाए, लिंक हो जाए, जुड़ जाए, और वो ऐसी कहानी बने कि हम इनको कभी ना भूलें। तो बच्चों, हमने देखिए कहानी बनाई है, और आपको भी ऐसी कहानियां बना करके आगे चल के खुद ही लर्न करना होगा, याद करना होगा। तो जैसे गो टू द डॉग्स मतलब टू बी रूंड कैसे बनाया, कैसे याद करोगे? आप देखा होगा कि लोग कहते हैं ना कि यार वो इंसान कुत्ते की तरह दर दर भटक रहा है, कुत्ते का जीवन बड़ा ही खराब माना जाता है हमारे समाज में। एक और देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, यार फला इंसान तो धोबी का कुत्ता बन गया, न घर का न घाट। यानी अगर किसी इंसान का जीवन डॉग जैसा हो जाता है, कुत्ते जैसा हो जाता है, तो कैसा हो जाता है? रूंड हो जाना, बर्बाद हो जाना, यानी कि टू बी रूंड। तो याद हो जाएगा डॉग्स बन जाना, डॉग्स की बिरादरी में शामिल हो जाना, मतलब बर्बाद हो जाना। तो ये होता है माइंड मैपिंग। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है गेट इनटू अ मैस, तो और इसका मीनिंग है गेट इनटू अ ट्रबल। देखिए, इसको लर्न करना बहुत आसान है बच्चों। गेट इनटू यहां पे लिखा है, गेट इनटू यहां पे लिखा है, बस मैस मींस ट्रबल होता है, तो याद हो जाएगा मैस मींस होता है एक तरह से मुसीबत, एक मुसीबत में पड़ जाना, मतलब गेट इनटू अ ट्रबल। अगला नेक्स्ट आपका है गिव अ वाइड बर्थ, और बच्चों गिव अ वाइड बर्थ का मतलब होता है
टू अवॉइड। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, अवॉइड मींस होता है टालना, और यहां पर क्या हो रहा है इसका मतलब गिव अवॉइड बर्थ, तो क्या करना है मैपिंग करनी, कैसे करनी है कि गिव अवॉइड बर्थ को मतलब अवॉइड कैसे लाएं, कहानी कैसे बनाएं। देखिए कहानी क्या होती है, सोचो बच्चों एक बर्थ मिस होता है शी, जैसे देखा होगा ट्रेन में बर्थ होती है, और वाइट मिस होता है थोड़ा सा चौड़ा कर देना। एक कहानी बना लो, जैसे मान लीजिए ये एक बर्थ है और आप दो दोस्त हो, आप जब कहीं किसी सपोज पिकनिक पर कहीं घूमने जाते हो, और आप अगर बहुत अच्छे दोस्त हो तो देखा होगा आप बिल्कुल चपक के बैठते हो, एक दूसरे से बिल्कुल सट करके बिल्कुल पास होकर बैठते हो, और यानी कि खूब बातें करते जा रहे हो। लेकिन कहीं कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आपको अपने दोस्त की बात अच्छी ना लगी, या आपके दोस्त की बात आपको अच्छी ना लगी, तो आप क्या करते हो फिर जब दोस्ती में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है तो आप क्या करोगे कि फिर क्या होता है, फिर जैसे ये बर्थ है तो यानी आप इस खिड़की पर आ जाओगे, वो इस खिड़की पर चला जाता है, यानी कि अब आपकी बर्थ कैसे हो गई वाइट, यानी बर्थ को वाइट कर दिया, चौड़ा कर दिया, तो मतलब एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, तो हो जाता है कि वाइट बर्थ, लग्न हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट आपका है जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है, बस इसका मतलब होता है अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल पर्सन। अब बच्चों इसको देखिए लर्न कैसे करोगे, तो लर्न करने के लिए बस अपने पास वही हथियार जिसका नाम है माइंड मैपिंग। कैसे लर्न करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है इसको समझना होता है। रिलायबल मिस होता है विश्वसनीय, और बच्चों अनमिस होता है नॉट, जो विश्वसनीय नहीं है, और पर्सन माने व्यक्ति, तो यानी वह पर्सन जो रिलायबल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, वो कहलाता है जेंटलमैन एट लार्ज। अब देखिए लर्न कैसे करोगे, कहानी बना लो। जेंटलमैन तो पता है सज्जन व्यक्ति होता है, और एट लार्ज मतलब जो बहुत लार्ज किस्म का है, लार्ज मीन्स बड़ा होता है, जो बहुत ही बड़े विचारों का है, बहुत लार्ज मतलब जो बहुत बड़े एरिया में इधर उधर घूमता रहता है। यानी अगर कोई जेंटलमैन ऐसा है, अब देखिए कहानी बना लो, अगर कोई जेंटलमैन ऐसा है जिसके पास बहुत लार्ज एरिया है यहाँ वहां जाने का, तो फिर वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर चला जाए, जब आपको जरूरत पड़े तो आपके पास ना आ पाए, तो वो जेंटलमैन जो एट लार्ज रहता है मतलब अनरिलायबल है, कहानी याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट टीम आपका है गुड समार्टन। गुड समार्टन का मतलब होता है वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स, वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स, STRANGERS। अब देखो बच्चों इसका मतलब होता है STRANGERS। तो गुड समार्टन का मतलब वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स, लर्न कैसे करोगे, तो देखिए क्या करना है माइंड में कैसे करेंगे, देखिए वन हु हेल्प्स मतलब होता है जो मदद करता है, स्ट्रेंजर्स अजनबियों की या नीडी जरूरतमंदों की, वह इंसान जो अजनबियों और जरूरतमंदों की मदद करता है वो गुड समार्टन कहलाता है। देखिए इसको लर्न कैसे करेंगे बच्चों, गुड मीन्स अच्छा, समार्टन एक समार्टा जाति के लोग थे, कहानी बना लो कि समार्टा एक जाति है, उस जाति के लोग थे, वो बहुत अच्छे थे और वो हमेशा अजनबियों की मदद करते थे। तो कहानी बना लीजिएगा कि अगर कोई समार्टन ऐसा है जो गुड है तो क्या करता है, यानी वह ऐसा इंसान है जो अजनबियों की मदद करता है। देखिए होता क्या, तो आप आज के जमाने में जैसे देखिए देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम एक शब्द बन जाता है, एक स्टोरी बन जाता है, कहानी बन जाता है, एक परिभाषा बन जाता है। जैसे देखिए हमारे देश में गांधी जी बहुत सिंपल सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, तो आज भी अगर कोई इंसान बिल्कुल सिंपल सरल स्वभाव का होता है, गांधी जी जैसी परंपरा को अपनाता है, तो कहते हैं देखो गांधी जी आ रहे हैं। तो वही अगर कोई इंसान ऐसा है आप के जमाने में जो स्ट्रेंजर्स की मदद करता है, तो क्या कहे, देखिए यार ये समार्टन है, क्यों समार्टा लोग मदद करते थे, तो हो जाएगा गुड समार्टन। बच्चों नेक्स्ट आपका है, अगला वर्ड आपका है गिव अ गुड अकाउंट, और इसका मतलब होता है गिव अ गुड अकाउंट मतलब होता है टू एक्ट क्रिएटिवली। टू एक्ट क्रिएटिवली मतलब होता है सम्मानपूर्वक काम करना,
अब देखिए लर्न कैसे करोगे, तो गिव माने होता देना, गुड माने होता अच्छा, अकाउंट माने होता है हिसाब किताब, मतलब एक्ट क्रेडिट सम्मान पूर्वक काम करना, रिस्पेक्टफुली काम करना। इसको देखिए ऐसे बनाने की, सपोज कोई अगर अकाउंटेंट है, कोई अगर अकाउंटेंट है, देखा होगा शाम को क्या करता है वो अपने बॉस को पूरा लेखा जोखा देता है, पूरा अकाउंट देता है। तो अगर कोई अकाउंटेंट है ऐसा है जो रोज अपने अकाउंट को गुड देता है, अच्छा देता है, यानी कि उसके अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो इंसान कैसा है, वो क्या कह रहा है, एक्ट क्रिएटिवली यानी सम्मान पूर्वक काम कर रहा है, उसको ऑफिस में बहुत सम्मान रहता है। तो गिव अकाउंट गुड मतलब होता है सम्मान पूर्वक काम करना। अगला है टू गिव द डेविल हिज ड्यू। बच्चों नेक्स्ट आपका है टू गिव द डेविल हिज ड्यू, इसका मतलब होता है टू गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन। दोस्तों इसका मतलब हो जाता है टू गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब था गिव क्रेडिट टू ए वर्थलेस पर्सन, यानी कि वर्थलेस व्यक्ति को भी उसको क्रेडिट देना, सम्मान देना। इसको देखिए ऐसे लर्न करिएगा, गिव द डेविल हिज ड्यू, कहानी बना लो, गिव माने देना, डेविल मीन्स डेथ, ड्यू मीन्स होता है उसका हिस्सा, उसका शेयर। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो डेविल लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनको भी अगर उन्होंने आपके लिए कोई अच्छा काम किया तो उनका भी ड्यू जो होता है, उनका भी जो हिस्सा होता है आप उनको देते हो, मतलब आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हो, सम्मान करते हो वर्थलेस माने बेकार व्यक्ति को भी। अब देखिए लर्न करिएगा, डेविल कैसा होता है, वर्थलेस होता है, गिव माने देना, ड्यू माने क्रेडिट, यानी बेकार व्यक्ति को भी क्रेडिट देना, मतलब कि क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन, याद हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट मतलब आपको है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब है इनएक्सपीरियंस्ड। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे, एक वर्ड होता है एक्सपीरियंस्ड, मतलब होता है अनुभवी, और आपको पता है इनमें होता है नॉट एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस नहीं है वो अनुभवहीन कहलाता है, इमेच्योर कहलाता है, या ग्रीन हॉर्न कहलाता है। अब देखिए इसको लर्न कर, इसमें जो इमेच्योर भी कह सकते हैं, IMMATURE इमेच्योर भी कह सकते हैं। लर्न कैसे करोगे, ग्रीन माने होता है हरा, लेकिन आपने पढ़ा हो ग्रीन माने कच्चा भी होता है, जैसे ग्रीन मैंगो मतलब कच्चा आम, और हॉर्न मीन्स होता है सींग। तो एक कहानी बना लो कि जिसका सींग कच्चा होता है वो कैसा होता है, इनएक्सपीरियंस होता है। इसको कहानी बना ली, जैसे पहले जमाने में जब बैलों से खेती होती थी तो जो बच्चा छोटा होता था, बछड़ा होता था, उसके हॉर्न ग्रीन यानी कच्चे रहते थे, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता था उसके हॉर्न पक जाते थे। तो पहले ज़माने में किसान लोग कैसे जानते थे कि ये अब इस हल चलाने के लायक हुआ है, वो उसके हॉर्न को, उसके सींगों को देखा करते थे। तो अगर किसी बछड़े के, किसी बैल के हॉर्न ग्रीन होते थे, कच्चे होते थे, यानी कि वो अभी इनएक्सपीरियंस है, यानी कि खेती के लायक अनुभवी नहीं है। तो यानी कि जिसके हॉर्न ग्रीन होते हैं, सींग कच्चे होते हैं, वो इनएक्सपीरियंस हो जाता है। तो यानी कोई भी इंसान अगर अच्छा नहीं है तो क्या कहा जाएगा, यानी फला इंसान के सींग कच्चे, मतलब उसको अनुभव नहीं है, ग्रीन हॉर्न। बच्चों नेक्स्ट आपका है गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है टू पास अवे या डाई। याद रखिएगा बच्चों, इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, इसलिए हमें चीजें रट्टा नहीं मारनी, और इसलिए देखिए इंग्लिश में बच्चों का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, मार्क्स कमाते हैं बच्चों को डर लगता है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, आपको चीजें समझनी है। तो देखिए अब जैसे है क्या, आप रट्टा मारोगे, आपने किसी बुक से पास अवे रख लिया, हो सकता है वहां पर डाई आ जाए, तो आपको समझना, कैसे समझना कि पास अवे भी मरना होता है, डाई वाने भी मरना होता है। लर्न कैसे करोगे, इसके लिए माइंड मैपिंग करनी है कि गिव अप द घोस्ट। अब देखिए घोस्ट मीन्स होता भूत, गिव अप माने दे देना। तो देखिए होता क्या है, कहानी बना लो कि जब इंसान मरता है तो उसकी जो आत्मा होती है, जो कभी कभी क्या होती है कि वो प्रेत योनि में चली जाती है। तो अगर कहानी बना लो कि जब भी इंसान मरने के बाद प्रेत योनि चला जाए, यानी जब भी इंसान घोस्ट बन जाता है, भूत बन जाता है, तो क्या हो जाता है, मर जाता है, यानी कि मरने के बाद आदमी घोस्ट बनता है। तो घोस्ट बन जाना मतलब मर जाना, कहानी बन जाएगी। अगला है गो टू द होल हॉग।
दोस्तों गो टू द होल हॉग का मतलब होता है टू डू समथिंग थारोली, टू डू समथिंग थारोली, समथिंग समथिंग और थारोली मतलब था कंप्लीटली, किसी काम को पूर्णतया करना। बच्चों थारोली का मतलब होता है कंप्लीटली, किसी काम को पूर्णतया करना। लर्न कैसे करोगे? टू डू द होल, अब देखिए होल मिस होता है कंप्लीट, तो यानी कि किसी काम को होल करना मतलब किसी काम को थारोली करना, पूर्णतया करना। टू डू द होल, गो टू द होल। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपको है गेट इनटू आइस क्रैप, और इसका मीनिंग हो जाता है टू गेट इनटू एन अक्वर्ड सिचुएशन। टू गेट इनटू एन अक्वर्ड सिचुएशन मतलब होता है टू गेट इनटू आइस क्रैप। अब देखिए कहानी बना लो बच्चों, स्क्रैप देखिए कैसे लर्न करोगे। स्क्रैप का मतलब होता है रबिंग, एक तरफ रगड़ना खरोचना। तो अगर कोई इसको बना लो, अगर ऐसा करो कि अगर किसी इंसान को पकड़ करके आप स्क्रैप करते हो, उसको रग करते हो खरच लो, तो क्या हो जाएगा? बहुत परेशान हो जाएगा, यानी उसकी सिचुएशन अकवर्ड हो जाती है। तो यानी स्क्रैप में पड़ जाना मतलब अकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका आइडियम है गो ब्रोक, और इसका मीनिंग होता है गो रोक का मीनिंग बच्चों है टू बिकम बैंक्रप्ट। अब दोस्तों लर्न करना बहुत आसान है, कैसे? आपने पढ़ा होगा जैसे गो, एक होता गो मैड पागल हो जाना, तो गो ब्रोक दिवालिया हो जाना। तो बहुत आसान है, ब्रोक मींस होता है बैंक्रप्ट, गो मींस बिकम, तो बिकम या गो बैंक्रप्ट मतलब दिवालिया हो जाना। तो देखा होगा बहुत से लोग अपने आप को व्यापार में जब फेल हो जाते तो गो ब्रोक यानी कि दिवालिया बन जाते हैं। अगला आपका है गेट इनटू हॉट वाटर्स, और दोस्तों गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल। अब देखिए लर्न कैसे करोगे, बस कहानी बना लो। वाटर मीन्स पानी होता है, वाटर्स मतलब समुद्र भी होता है, वाटर मीन्स गर्म। एक कहानी बना लो कि अगर कोई तालाब मान लो, सपोज इसे मान लो कोई तालाब ऐसा जिसमें पानी बहुत गर्म है, और उस गर्म पानी में कोई भी जानवर गिर जाता है तो क्या होता है? मुसीबत में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो मतलब गेट इनटू ट्रबल हो जाएगा। अगला है आपका गिव करेंसी, और दोस्तों अब देखिए गिव करेंसी कैसे लर्न करोगे। करेंसी होता है कैश, तो गिव करेंसी हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है टू मेक पब्लिकली नोन। टू मेक पब्लिकली नोन मतलब होता है गिव करेंसी। बच्चों लर्न कैसे करोगे, यानी कि पहले इसका लिटरेरी मीनिंग समझो, फिर इसका एलिवेटिंग मीनिंग समझो, और दोनों का एक लिंक बना दो। किसी को करेंसी देना, गिव करेंसी हो जाए मतलब सबको बता देना। अब इसको देखिए याद कैसे करोगे, कहानी बना लो कि जैसे होता क्या, देखा होगा कुछ लोगों की शादी में दहेज मिलता है, और बहुत लोगों को दहेज में पैसा मिलता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे को चुपचाप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं या चुपचाप चेक दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, दिखाने के लिए बड़ा शान शौकत कि हमने इतना पैसा दिया, तो वो तिलक तिलक जब बच्चे का चढ़ता है तो उसको पैसे को थाल में रखते हैं। तो यानी किसी को करेंसी देना, यानी आप सोचो अगर कोई इंसान थाल में 2,000 की गड्डी रखेगा तो लोग फटाक से ले लेंगे, 10 गड्डियां हैं। तो इस तरह से करेंसी देना मतलब पब्लिकली बता देना हो जाता है, मेक पब्लिकली नोन। और दोस्तों नेक्स्ट आपका है ग्रेट हैंड, मतलब होता है एक्सपर्ट। ग्रेट हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट। अब अच्छा लर्न करना बहुत आसान है, देखा होगा ग्रेट मीन्स महान, हैंड मीन्स कि बहुत महान हाथ। और देखिए किसी का हैंड ग्रेट कब बनता है, जब वो इंसान उस काम में बहुत एक्सपर्ट हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो जैसे कि अगर कोई इंसान आर्ट बनाने में बहुत अच्छा है, तो वो उसका हैंड क्या कहलाता है, ग्रेट, यानी एक्सपर्ट कहलाता है।
कोई इंसान अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में बहुत अच्छा है तो यानी ग्रेट हैंड कहलाएगा, एक्सपर्ट कहलाता है। कोई टीचर अगर इंडियन सेंट फ्रेंच पढ़ाने में बहुत अच्छा है तो ग्रेट हैंड कहलाएगा, एक्सपर्ट कहलाएगा। तो आइए दोस्तों फटाफट, उम्मीद है आपको सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार हो चुके होंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। गो टू द डॉग मतलब बर्बाद हो जाना, गेट इनटू मैस मतलब गेट इनटू ट्रबल मुसीबत में पड़ जाना, गिव अवॉइड वर्थ मतलब अवॉइड टालना, जेंटलमैन एट लार्ज मतलब अनरिलायबल अविश्वसनीय व्यक्ति, गुड समार्टन मतलब अच्छा समार्टन मतलब अजनबियों की वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स अजनबियों की मदद करने वाला, गिव ए गुड अकाउंट मतलब टू एक्ट क्रिएटिवली सम्मानपूर्वक काम करना, गिव द डेविल हिज ड्यू यानी डेविल को भी उसका ड्यू देना मतलब गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन बेकार व्यक्ति को भी उसका क्रेडिट देना, ग्रीन हॉर्न कच्चा हॉर्न मतलब इनएक्सपीरियंस अनुभवहीन, गिव अप द घोस्ट मतलब घोस्ट बन जाना मतलब मर जाना डाई, गो टू द होल हॉग मतलब कोई काम होल करना मतलब टू डू समथिंग थरोली पूर्णतया करना, गेट इन टू स्टेप स्टेप मतलब रबिंग रबिंग में आ जाना मतलब बहुत अकवर्ड बन जाना टू गेट इन टू अकवर्ड सिचुएशन, गो ब्रोक ब्रोक हो जाना मतलब बैंकक्रप्ट दिवालिया हो जाना बिकम बैंकक्रप्ट, गेट इन टू हॉट वाटर्स गेट मतलब हॉट वाटर में क्या होगा मुसीबत मतलब गेट इन टू ट्रबल मुसीबत में आ जाना, गिव करेंसी किसी को करेंसी अगर दे रहे हैं तो सबको बता दे रहे हो आप कितना पैसा दे रहे हो मतलब मेक पब्लिकली नोन, और ग्रेट हैंड मतलब वह इंसान बहुत ग्रेट हैंड है मतलब बहुत एक्सपर्ट हो जाना। दोस्तों उम्मीद है ये सारे idioms एंड phrases अब आपको याद हो चुके होंगे और अब आप इनको कभी नहीं भूलोगे। और हाँ, अगर वास्तव में आपको ये लगा हो कि ये idioms में हमने भी अपना ग्रेट हैंड दिखाया है, आपको ये अच्छे लगे हैं, आपको याद हुए हों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दिल खोल के लाइक करें, शेयर करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और idioms के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।